किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने केंद्र और राज्य सरकार की समस्त योजनाओं का पूरा लाभ हितग्राहियों को देने के निर्देश दिए हैं। समर्थन मूल्य पर मूंग उपार्जन के लिए निर्धारित सभी केंद्रों पर खरीदी कार्य को जल्द से जल्द शुरू करने को कहा गया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने होशंगाबाद में नर्मदापुरम संभाग के तीनों जिलों की मूंग खरीदी कार्य, वैक्सीनेशन कार्यक्रम, राशन वितरण आदि योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान कमल पटेल ने निर्देशित किया कि तीनों जिलों में खरीदी के लिए निर्धारित केंद्रों पर किसानों की सुविधा और उपज की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं। खरीदी के लिए भेजे जा रहे SMS में लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाए, केंद्रों पर खरीदी कार्य में गति लाएं और नए बनाए गए केंद्रों पर खरीदी कार्य शुरू करें। उन्होंने कहा, जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए, इसके साथ ही किसानों के लिए नजदीकी सेंटरों पर उपार्जन व्यवस्था सुनिश्चित करें। आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के मुख्य आतिथ्य में हमारे राष्ट्रीय बीज निगम का क्षेत्रीय कार्यालय और गोडाउन का शुभारंभ हुआ, लोकार्पण हुआ। साथ ही नेफेड के क्षेत्रीय कार्यालय का भी भोपाल में वर्चुअल दिल्ली से उन्होंने शुभारंभ किया। ये दो सौगातें बड़ी मध्य प्रदेश को मिली है, जिससे किसानों की आय दोगुना करने में जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है वो पूरा होगा। अच्छी गुणवत्ता का बीज, और जो बीज अच्छी गुणवत्ता का खेतों में डालेंगे तो उत्पादन भी बढ़ेगा। तो बढ़ा हुआ उत्पादन पूरा भारत सरकार समर्थन मूल्य पर निफेड के माध्यम से खरीदती है, उसका लाभ किसानों को मिलेगा। इस अवसर पर मैंने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से निवेदन किया कि आपने समर में गर्मी ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने का जो अनुमति दी है उसके लिए आपका धन्यवाद। कमल पटेल ने बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी और शाहपुरा क्षेत्र में अमानक बीज वितरण से खराब हुई फसलों की विस्तृत जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनकी रिपोर्ट शीघ्र भेजें ताकि आवश्यक सहायता पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 5 माह के निःशुल्क राशन वितरण की व्यवस्था की गई है। निगरानी समिति द्वारा उचित मूल्य दुकानों पर राशन वितरण कार्य की सघन मॉनिटरिंग की जाए। विशेष ध्यान रखें कि जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं है उन्हें ग्राम पंचायत सभा के माध्यम से सूची प्राप्त कर उन्हें भी राशन का वितरण किया जाए। वहीं बेहतर वैक्सीनेशन के लिए उन्होंने सभी को बधाई दी। उन्होंने मेरे निवेदन पर आश्वस्त किया कि प्रदेश सरकार जितना मूंग खरीदे केंद्र सरकार पूरा सहयोग करेगी, पीछे नहीं हटेगी और अनुमति देंगे। इससे मध्य प्रदेश के किसानों का जितना भी मूंग उत्पादित हुआ है वो पूरा खरीदा जाएगा और समर्थन मूल्य पर उनको मूल्य मिलेगा, जिससे किसान की खेती लाभकारी धंधा बनेगी। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि किसान की आय 2022 तक दोगुना करना है, हम इसी वर्ष पूरा कर देंगे। बहुत बहुत किसान भाइयों आपको बधाई और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से आभार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।